हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं जीएससी वर्सेस एसटीआर ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन। यानी कि गाइस, जो आपको जीएससी वर्सेस एसटीआर का माइनर लीग टी20 का जो आपको मैच खेला था दिखेगा, इस मैच का गाइस हम आज के इस वीडियो में ड्रीम 11 प्रेडिक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, आपको गाइस यहाँ पर दोनों टीम्स के हर एक प्लेयर का स्टैट्स, कमाल की इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर ज्वाइन करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस मैच की जो फाइनल टीम अपडेट मिलेगी वो गाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो आपको गाइज हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाई चांस अगर लिंक काम ना करे तो आपको अपने टेलीग्राम में चले जाना है और सर्च करना है @SK11 Expert, कैपिटल लेटर में आप सर्च करिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा गाइज, जिसमें ऑलरेडी यहाँ पर 2900 से ज़्यादा लोग ज्वाइन है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है। अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम ना करे तो आपको अपने टेलीग्राम में जाकर सर्च करके @SK11 Expert कैपिटल लेटर में हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना है। अब चलिए गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम CSG टीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये टीम अभी तक 4 मैचेस खेली है, ठीक है, इस टूर्नामेंट में, और 2 जीती है और 2 हारी है। इनका अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर प्लेइंग 11 अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो इनके लिए ओपनिंग कर रहे हैं सामी असलम के साथ करण चंडल कैप्टन और विकेट कीपर, 1 डाउन जिया शहजाद है, 2 डाउन पर शिवम मिश्रा है, 3 डाउन आदित्य श्रीनिवास, 4 डाउन पर हम्मद आजम, 5 डाउन पर मोहित नाताराज, 6 डाउन पर है अवेंद्र सिंह, ठीक है, और फिर 3 इनके बॉलर हैं एहसान आदिल, सोहन भट्ट और श्रेयर खान। ठीक है, बेंच पर भी इनके पास मलिक जुनेद हैं, जो कि एक ही मैच खेले थे जिसमें कमाल का इन्होंने 49 किया था, उसके बाद इनको मौका नहीं मिला है, तो टीम चाहे तो इनको खिला सकती है। मोहम्मद शहजाद हैं, जो कि यहाँ पर फर्स्ट मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 7 रन किए थे, साथ में 4 ओवर की बॉलिंग में उनको विकेट भी मिला था, तो टीम चाहे तो इनको भी खिला सकती है। साथ में अनिस देशपांडे हैं, जिन्होंने 2 मैचेस गाइस खेले थे स्टार्टिंग के, जिनमें उनको 1 विकेट मिला था। ठीक है, तो ये तीनों प्लेयर बेंच पर हैं, इनमें से कोई भी आपको आता दिख सकता है प्लेइंग 11 में। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर हम सबसे पहले बैटिंग के स्टैट्स पर आते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो समी असलम, जो टीम के कैप्टन हैं, पाकिस्तान से आते हैं, ठीक है, दो इनिंग डिसेंट खेले, 23 और 26। ठीक है, उसके अलावा करण चंडल, इनके विकेट कीपर, 71 और 40, दो इनिंग ये अच्छा खेले हैं। जिया शहजाद कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए हैं बैटिंग में अभी तक, ठीक है, और इनको ड्रीम 11 में अभी तक ऐड भी नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं ऐड किया है। ठीक है, फिर शिवम मिश्रा है, जो कि एक पारी अच्छा खेले, 83 नॉट आउट, ठीक है, उसके अलावा 20 और 11 ही कर पाए हैं। आदित्य श्रीनिवास 17 और 14, ठीक है, हम्मद आजम 72 नॉट आउट, और यहाँ पर गाइस देखेंगे तो 20, ठीक है, और फिर गाइज यहाँ पर मोहित नाताराज का देखेंगे तो 32 नॉट आउट और 23, दो इनिंग ही अच्छा खेले। ठीक है, तो ये गाइज इनका हमने बैटिंग का स्टैट्स देख लिया तीनों मैचेस का। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं बॉलिंग के स्टैट्स पर आते हैं। ठीक है, तो ये गाइज यहाँ पर आपको CSG का बॉलिंग का यहाँ पर स्टैट्स दिख रहा है तीनों मैचेस का। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे एहसान आदिल का, तो इन टीम के टॉप विकेट टेकर हैं। चारों मैचेस में गाइज अभी तक उन्होंने चारों मैचेस में पूरे 4 ओवर की बॉलिंग की है, टोटल 16 ओवर की बॉलिंग में इनको 10 विकेट मिला है। ठीक है, श्रेयर खान के नाम पर 14 ओवर की बॉलिंग में 5 विकेट है, जिया शहजाद के नाम पर 12 ओवर की बॉलिंग में 5 विकेट है, सोहन भट्ट के नाम पर 4 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट है, सोहन भट्ट एक ही मैच खेले गाइस, ये बात का ध्यान रखिए। उसके अलावा ए सिंह के नाम पर 8 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट है, समी असलम के नाम पर 3 ओवर की बॉलिंग में कोई विकेट नहीं है, और एम नाताराज इनके 3 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट है। ठीक है, लास्ट मैच में एम नाताराज ने बॉलिंग नहीं की थी, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट मैच के गाइस आप ओवर भी देख सकते हैं कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करता है। जैसे अगर मैं डेथ बॉलर की बात करूं गाइस, तो यहां पर ए सिंह लास्ट मैच में 16वां 18वां ओवर इन्होंने डाला था। ठीक है, उसके अलावा गाइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 15वां 17वां ओवर सोहन भट्ट ने डाला था, 20वां डाला था श्रेयर खान ने, और 19वां डाला था एहसान आदिल ने। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेथ बॉलर की गाइस, तो सोहन भट्ट डाल सकते हैं, एहसान आदिल डाल सकते हैं, श्रेयर खान डाल सकते हैं, यही सब गाइस डेथ में बॉलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये गाइस हमने CSG के यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों के यहाँ पर एकदम अच्छे से स्टैट्स देख लिए हैं और प्लेयर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। यहाँ से अगर मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर
प्लेयर्स की बात करूँ तो सामी असलम है, करण चंडल है, ठीक है। सामी असलम भले ही अच्छा नहीं खेले अभी तक, लेकिन वो अच्छे प्लेयर हैं गाइस, पाकिस्तान से आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जिया शहजाद को अभी तक ऐड नहीं किया ड्रीम इलेवन ने, अगर ऐड करती है तो ये इंपॉर्टेंट है। शिवम मिश्रा इंपॉर्टेंट है, हम्मद आजम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभेंद्र सिंह इंपॉर्टेंट है, एहसान आदिल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गाइस सरियार खान इंपॉर्टेंट है, इवन सोहान भट्ट भी अच्छे हैं गाइस, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इस टीम की तरफ से, आप इनका ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरी टीम पर आते हैं, एसडीआर की टीम पर। तो इनके लिए गाइस अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ये टीम 3 मैच खेली है, 1 जीती है और 2 यहां पर हारी है। इनके लिए ओपनिंग कर रहे हैं श्री कृष्णा राजू, साथ में आ रहा है क्रेग है, 1 डाउन पर आ रहे हैं ककानी हरीश, 2 डाउन पर है निखिल दत्ता, 3 डाउन पर है इफ्तिकार अहमद, जो कि अभी तक ड्रीम इलेवन ने इनको भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। 4 डाउन पर अभिनय रेड्डी, 5 डाउन पर सैमसन भाटी, 6 डाउन पर अदनेश तोंडलारे, 7 डाउन पर जुबेर मुरद, फिर वैद्यनाथ जैन और देवन श्रीवास्तवा, ठीक है। इनकी अगर आप बैटिंग स्टैट्स पर फोकस करेंगे तो श्री कृष्णा राधु कुछ खास नहीं कर पाए, 14 और 15 रन ही कर पाए हैं। क्रेग है फर्स्ट मैच अच्छा खेले थे 26, उसके अलावा 18, ठीक है, बीच में अच्छा नहीं खेले। ककानी हरीश 2 इनिंग अच्छा खेले 26 और 28, निखिल दत्ता 31, 39, 17, ये अच्छा खेलेगा इस बैटिंग से सबसे ज़्यादा अच्छा। इफ्तिकार अहमद गाइस पाकिस्तान के अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन इनको अभी तक ड्रीम इलेवन ने ऐड नहीं किया है, ऐड करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 20 होने के एक मैच में। अभिनय रेड्डी का देखेंगे 30 और 20, 2 इनिंग अच्छा खेले हैं। और गाइज यहां पर अदनेश टोंडलाले ने 1 इनिंग में काफ़ी अच्छा 35 किए हैं, ठीक है। ये गाइज हमने बैटिंग का यहां पर एचडीआर टीम का स्टैट्स देख लिया। बेंच पर इनके पास कुणाल सहगल हैं जो कि 1 मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 16 किया, जयदीप रेड्डी हैं जिन्होंने 6 किया था 1 मैच में, और अजय शर्मा हैं जो कि 1 मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की थी जिनमें उनको विकेट नहीं मिला था, ठीक है। तो ये इनके बेंच के प्लेयर्स हैं। अब गाइज यहां पर हम आते हैं एसटीआर के बॉलिंग के स्टैट्स पर, ठीक है। सबसे पहले जैद मुराद के बारे में बात करें, अभी तक टोटल 9 ओवर की इन्होंने बॉलिंग की है 3 मैचेस में और इनको 4 विकेट मिला है, ठीक है। फिर ककानी हरीस है 11 ओवर की बॉलिंग में 2 विकेट इनके नाम पर हैं। ए टोंडाले के 10 ओवर की बॉलिंग में गाइस 3 विकेट हैं। एस भाटी के 7 ओवर की बॉलिंग में 1 विकेट, निखिल दत्ता के 11 ओवर की बॉलिंग में 3 विकेट, वी जैन के 5 ओवर की बॉलिंग में 1 विकेट और डी श्रीवास्तवा के 3 ओवर की बॉलिंग में कोई विकेट नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करता है। अगर मैं गाइस इस टीम की डेथ बॉलर की बात करूं तो ककानी हरीस इनके डेथ बॉलर हैं जो कि 17वां और 19वां ओवर लास्ट में उन्होंने डाला था, और ए टोंडाले, ठीक है, और साथ में निखिल दत्ता भी 1 आध ओवर डाल सकते हैं। तो ये तीनों इनके डेथ बॉलर गाइस रह सकते हैं, ठीक है, आप इनका ध्यान रखिएगा। तो ये गाइस हमने एसडीआर के यहां पर बॉलिंग के भी स्टैट्स देख लिए हैं, ठीक है। तो सारा कुछ जितना डेटा हमें इस मैच के रिलेटेड देखना था सारा हमने एकदम अच्छे से देख लिया गाइस। होपफुली वीडियो गाइस आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी वीडियो को ना भूले गाइस। और गाइस अगर हमारे चैनल पर न्यू है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। अब चलिए गाइस मैं आपको अपनी टीम दिखा देता हूं। सबसे पहले गाइस विकेट कीपर सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी टीम में कुणाल चंदल को जगह दी है, ठीक है। अब आते हैं बैटर सेक्शन पर। यहाँ पर गाइस मैंने समी असलम, क्रेग हे और हम्मद आजम को टीम में जगह दी है, ठीक है। अब गाइज आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पर। यहाँ पर मैंने लिया है एस मिश्रा को, ठीक है, एहसान आदिल को, एस भाटी को और साथ में गाइज यहाँ पर ए टोंडाले को, ठीक है। इन चारों को मैंने अभी के लिए ऑलराउंडर सेक्शन से पिक किया है गाइज, ठीक है। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, जहाँ पर मैंने के हरीस को लिया है, एस खान को लिया है और लिया है निखिल दत्ता को, ठीक है। तो ये गाइज मेरी टीम का अभी का प्रीव्यू बनता है। इसमें अगर मैं सीवीसी की अगर ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर कैप्टनसी मैंने दी है निखिल दत्ता को और वाइस कैप्टनसी दी है के हरीस को, ठीक है। आप चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं सीवीसी। इनके अलावा गाइज अगर मैं अदर सीवीसी की ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर गाइज एहसान आदिल बहुत अच्छे बॉलर हैं तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं एज अ सीवीसी, ठीक है। उसके अलावा गाइज अगर मैं बात करूं यहाँ पर विकेट कीपर इनके जो हैं के चैंडल, आप उनको भी अगर चाहें तो मेरे हिसाब से ट्राई कर सकते हैं जैसे भी से, ठीक है। लेकिन जो मुझे बेस्ट 2 ऑप्शन दिख रही है वो यही दोनों दिख रही है इस मैच में, इसलिए गाइज मैं अभी के लिए इन दोनों के साथ ही एज अ सीबीसी जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये गाइज अभी के लिए टीम का प्रीव्यू बनता है। इसमें डेफिनेटली 100% टीम में चेंजेस होने वाली है, फाइनल टीम अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले फाइनल टीम अपडेट्स के लिए। तो बस
गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो बहुत जल्द गाइज मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।